दोस्तों, जैसे हमारा स्वभाव और हमारी सोच इस जीवन में दूसरों के साथ हमारे रिश्तों का आधार है, उसी तरह हम हमारे स्वास्थ्य के साथ भी एक रिश्ता निभाते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई शिशु जीवन में पहली बार भोजन के स्वाद का अनुभव करता है तो बार बार उसी की चाहत करता है, और इसी तरह भोजन को महत्वपूर्ण आधार बनाते हुए हमारे स्वास्थ्य के साथ हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत होती है। हम भी बचपन में पूरी तन्मयता और सादगी से इन रिश्तों को निभाना शुरू करते हैं। हम खाना तभी खाते हैं जब हमें कड़ी भूख लगती हो, और हमारी भूख मिटने पर हम खाना बंद कर देते हैं। हम दिन भर खेलते हैं, अपना काम करते हैं और बीच बीच में खाने के निश्चित समय पर ही भोजन करते हैं। हम निरंतर भोजन के बारे में नहीं सोचते रहते या लगातार खाना नहीं खाते। बचपन में स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी से निभाए हुए इसी रिश्ते की वजह से हमें एक स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, जो हमें युवा अवस्था में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता करती है। पर जब हम युवा अवस्था में आते हैं, तब दुनिया में आगे रहने की चाह में अज्ञानतावश स्वास्थ्य के साथ बने हमारे इस रिश्ते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। स्वास्थ्य के साथ हमारे इस रिश्ते के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उन्हें हम भूल जाते हैं। हम भोजन को अनियमित रूप से लेना, अपोषक आहार का सेवन करना, भूख से ज्यादा भोजन करना इत्यादि शुरू कर देते हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट्स 2010 के अनुसार दुनिया में विविध बीमारियों से मरने वालों लोगों में ज्यादा संख्या अति भोजन करने वालों की पाई गई। ये संख्या भूख से मरने वाले लोगों की अपेक्षा काफी ज्यादा थी। इसके अलावा काफी बार हम किसी घटनाओं के कारण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी अन्न का त्याग कर देते हैं। जैसे कभी भोजन के बाद किसी कारणवश उल्टी हो जाने पर हम उस पूरे भोजन का ही त्याग कर देते हैं, और उस दौरान खाई हुई किसी पोषक खाद्य को भी हमेशा के लिए त्याग देते हैं। जिस तरह आपसी रिश्तों में नकारात्मक या निगेटिविटी बढ़ने पर जीवन में दुख बढ़ जाता है, उसी प्रकार भोजन के प्रति आपके नकारात्मक रवैये के कारण आपका स्वास्थ्य भी आपके जीवन में दुखों की अनुभूति करता है, और अंत जीवन नीरस और बेबस बन जाता है। इसीलिए अपने बाकी प्रिय रिश्तों की तरह ही अच्छे भोजन द्वारा स्वास्थ्य के साथ अपने रिश्ते को निभाए और जीवन को निरोगी बनाए। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमेशा ताजा बिना दिक्कत से हजम होने वाला पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें। जब तक भूख न लगे खाना न खाए, अपनी आवश्यकता अनुसार ही खाए। भोजन करते समय गुस्सा, दुख अथवा अन्य कोई नकारात्मक विचार के साथ ग्रहण न करें। एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भोजन के समय ऐसे नकारात्मक विचार भी मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। मित्रों, आप स्वयं सोचेंगे तो जानेंगे, जीवन के सारे आनंदों का आधार निरोगी शरीर ही है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।